शिखर की ओर। इसमें आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं दिव्यांग जन को शासन की ओर से निशुल्क मिलने वाली योजनाओं के बारे में, जिसे हमारे साथ साझा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पैरा ओलंपिक संघ के चेयरमैन डॉक्टर इनाम खान जी। मध्य प्रदेश में निःशक्त जनों के लिए एक पैरा ओलंपिक होती है, जिसमें निःशक्त जनों के लिए खेल कूदों का आयोजन होता है और वो खेल कूद राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। पैरा ओलंपिक, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइएगा ये क्या है। अभी तक आपके बच्चे खेलकूद करते होंगे, करते हैं, और राज्य स्तरीय जिला स्तरीय जो प्रतियोगिताएं खेल ग्राउंड पर होती हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो चयन होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में ओलंपिक होता है, जिसमें सामान्य व्यक्ति ओलंपिक में भाग लेकर मेडल लाते हैं और भारत सरकार उनका पुरस्कृत करती है। इसी तरह उसी ग्राउंड पर प्रत्येक 5 साल में पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं, जिसमें केवल निःशक्त व्यक्तियों के लिए ये गेम्स होते हैं। ये गेम्स उसी ग्राउंड में और उसी तरह के जो फुटबॉल हुई, 100 मीटर दौड़ हुई, भाला फेंक हुआ, तवा फेंक हुआ, चेस हो गया और इसके साथ तैराकी हो गई, 250 तरह के खेलकूद इस पैरा ओलंपिक में होते हैं, जिसमें केवल निःशक्त व्यक्तियों को ही भाग दिलाया जाता है। निःशक्त व्यक्तियों की अलग अलग कैटेगरी होती है, वर्ग होते हैं, तो कौन कौन से वर्गों के लिए पैरा ओलंपिक खेल होते हैं? पैरा ओलंपिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है निःशक्त व्यक्तियों के लिए, पर इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें जो दृष्टि बाधित हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उन व्यक्तियों के लिए कैटेगरी बी होती है, जिसमें वो सारी ओलंपिक की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति लेते हैं। दूसरी एबिलिटी होती है, वो होते हैं सेरेब्रल पाल्सी, जो कि इन बच्चों में शारीरिक अक्षमता होती है। तीसरी कैटेगरी होती है जिनके हाथ पैर कटे हुए हैं या किसी को लकवा लग गया हो, और चौथी कैटेगरी होती है मानसिक दिव्यांगता। अब जैसे दृष्टि बाधित लोगों के बारे में आपने बताया, पैरा ओलंपिक में वो भाग लेते हैं, तो अब उसमें जो गेम्स होते हैं उसमें गेंद भी होती है, फुटबॉल भी होती है, उसमें किस प्रकार से जो दृष्टि बाधित लोग फुटबॉल को ऑब्जर्व करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। जो हमारे खेलकूद होते हैं इसमें दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए होती है गोलबॉल। गोलबॉल मतलब एक फुटबॉल होती है, उसके अंदर घुंघरू होते हैं जिससे आवाज आती है। जो 3 निःशक्त जो दृष्टि बाधित खिलाड़ी हैं वो सामने होते हैं और 3 एक तरफ होते हैं, वो नीचे फुटबॉल को लुढ़काते हैं तो घुंघरू की आवाज जिस तरफ जाती है उसी तरफ वो बच्चा कूदता है और बॉल को पकड़ता है, ये गोलबॉल होती है। इसी तरह 5-a-side फुटबॉल होती है, उसमें पैर से फुटबॉल खेली जाती है, उसमें भी घुंघरू होता है। इसके साथ साथ 100 मीटर दौड़ होती है, इसके लिए एक सहायक होता है जिसमें हाथ बांध दिया जाता है और वो दृष्टिबाधित व्यक्ति 100 मीटर दौड़ उस सहायक के साथ पूरा कर सकता है। इसके साथ यदि दृष्टिबाधित निःशक्त व्यक्ति तैराकी जानता है तो हम घंटियों के द्वारा बताते हैं कि उसको किस तरफ आना है, उसी लाइन में वो अपना तैराकी करता है। अभी भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं, जो 6 से 14 साल और 14 से ऊपर के दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए एक शैक्षणिक किट निःशुल्क, जिसकी कीमत वर्तमान में 25,000 रुपये है, वो बच्चों के लिए निःशुल्क प्रदान किए जाने की योजना है। और सागर में पैरा ओलंपिक मध्य प्रदेश के माध्यम से सागर जिले के जितने भी मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए हम किट देंगे। उस किट में बच्चों के लिए किसी भी तरह का कलर पहचानना, शेप पहचानना, जानवरों की पहचान, सब्जियों की पहचान किस तरह से की जाती है उसके लिए वो किट है। साथ में एक लैपटॉप तरह का उसको एक डिवाइस दी जाएगी, जिसमें आवाज़ होती है, बच्चा जिस आवाज़ में बात करता है वो डिवाइस उस बच्चे को वो कलर दिखा देगा, शेर तेंदुआ दिखा देगा, सब्जी दिखा देगा, जो भी बोलेगा बच्चा वो उसको इस डिवाइस में दिखेगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत ही कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।